स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमूर भी होंगे। मैं फ्लकास्ट कुदरत सलाफान और आप लोगों के लिए एक सिग्मा रूल्स लेकर आए हैं एक बार फिर से। मेजर रोल आ रहा है जो कि बहुत ही फेमस क्या है, एंकर पर्सनालिटी है, एंकर भी है वो, तो एंकर भी है रिटायर्ड। जो टग लाइफ होती है बहुत ही अंतिक और अजीब होती है। तो सिग्मा रूल्स मेजर गोड़ा पारिया इंडियन मीडिया बेस्ट मीडिया वाले पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है टाइटल में, एंग्री कॉमेडी। बात करेंगे, देखते हैं किस तरह के सिग्मा रूल्स है। बात करने से पहले हमारे चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें, फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स जस्ट, तो इसमें मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ते, वो पॉलिटिशियन पाकिस्तान की जो होते हैं स्टूडियो से कॉल आया सवेरे कि मेजर साहब ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान ने पैसे मांगे। मैंने बोला ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान ने पैसे मांगे, वो तो डेली मांगता पैसे। वो तो सारे मांगते हैं पैसे, अभी कुछ के बहुत दिन बनते हैं नवाज शरीफ शरीफ के। ये आर्मी में है, तभी लेफ्ट आर्मी 1990s ड्यू टू इंजरीज। मैं गिर गया करीब 400 फुट नीचे गिरा था, ऐसा पहाड़ था तो सतलज रिवर बिल्कुल नीचे था, तो आप ये लगा लीजिए कि ऐसे में गिरा पहाड़ से मेरे लंग्स पे ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया था, काफी दिक्कत हुई, तो फिर मैंने छोड़ दी फौज। इसकी तो स्टोरी भी बनानी होगी, अच्छा सब कुछ से कैसे गिरा। एक ऐसे इंडियन आर्मी वेटरन जो अब मीडिया में ही छाए रहते हैं। अरे भगाओ इसको गंजे कहां से, अरे भगाओ इसको गंजे कहां से, अपने फ्री स्टाइल अंदाज की वजह से इन्हें टीवी न्यूज डिबेट्स का रोस्ट किंग भी बोला जाता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं। चेहरा ऐसा मोटा हो रखा है कि टीवी फाड़ के बाहर निकल जाए। कभी कभी तो ये डिबेट में अचानक से अर्णब गोस्वामी को पॉलिटिशियंस का दाम भी बता देते हैं। ए अर्णब, ये दो दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस हैं, ये दो दो कौड़ी की नेतागिरी करता अपने गांव में भट्टी है, जो आज की तारीख में कह रहा है ठोकेंगे। तूने मुर्गी मारी आज तक, तूने मुर्गी मारी आज तक। और आप में से कई सारे लोगों ने गौरव आर्या पे एक और वीडियो बनाने को कहा था जिसमें उनके कुछ और धमाकेदार मोमेंट्स हो, जिसमें सामने वालों को उनकी सही जगह दिखाएं और एज अ रिजल्ट आपको हंसाएं। तो पेश है आपके सामने मेजर गौरव आर्या रिटर्न्स। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। अच्छा, इसको आता कुछ नहीं, जीरो नॉलेज है अमित खान को, जीरो नॉलेज है अमित खान को। जीरो नॉलेज है। अभी भी टाइम है, मेजर के पैर छू लो कुछ बड़ा हो जाएगा लाइफ में। गौरव आर्या अगर किसी डिबेट को होस्ट कर रहे हो तो शुरुआत से ही वो अपने फॉर्म में रहते हैं। डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते समय ही ये उनको धोना शुरू कर देते हैं। स्वागत करता हूँ अब्दुल समाद याकूब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको भी जय हिंद, और चीमा साहब आपको भी जय हिंद। और मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट को इसलिए जय हिंद कह रहा हूँ क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है, कह रहा हूँ क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है, क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है। क्या बात है, वही बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही। और इनका गुस्सा अक्सर पाकिस्तानी पैनलिस्ट के खिलाफ ही रहता है। अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, 14 अगस्त 1947 के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी क्योंकि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर संडास था, वो अलग बन गया हमसे मुल्क। अब कहाँ जाए, समझ गए। कुत्ता पालने का इनका एक शौक नजर की बेइज्जती होगी जाहिर कर ही देते हैं। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। क्योंकि जब इनको कोई बेतु के जवाब देने लगता है तब इसका इलाज उनके पास एक ही होता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इंजीनियर इफ्तिकार को बोलना कि मेजर ने उसके नाम का कुत्ता पाल लिया है। गुस्सा तो गौरव आ रहे होते हैं लेकिन मजे पूरा सोशल मीडिया ले जाता है। उसके नाम का कुत्ता पाला मेजर ने, और तू चुप रहे तेरे नाम का भी पालूंगा वरना, और तू चुप रहे तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। ये ना खुद की बेइज्जती सहते हैं ना अपने साथ वालों के साथ बदतमीजी होने देते हैं। मुंह बंद करना, तमीज से बात करना, और जनरल जीडी बख्शी से बात करो ना तो अदब से बात करना, तुम्हारे बाप समान है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहीं पे आके ठोकूंगा, पता नहीं लगेगा कहाँ से मिसाइल गई और कहाँ से निकली, और अगर मुझे इफ्तिकार दिख गया मैं टांग दूंगा इफ्तिकार को उल्टा। ये उन लोगों के खिलाफ भी हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर लेते हैं या फिर इंडिया के खिलाफ कुछ बोल देते हैं। सुनिए, आप चुप रहिए, बेवकूफ आदमी। जहाँ किसी ने इनकी डिबेट में कोई उल्टी बात की मतलब फिर वो खत्म। बाय बाय टाटा, अपना चश्मा उतारो, चोरी 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 करने में यहाँ पे
गजब बेइज्जती है। चोरी कर रहे गया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के लिए तो इनके मन में थोड़ी भी इज्जत नहीं है, जो कि उनकी बातों से अक्सर नजर आ जाता है। राजा फैजल साहब एक मिनट, डायरेक्टर साहब आप मुझे स्क्रीन पर रखिए, ये इमरान खान की फालतू इमेजेस पीछे मत दिखाइए। ये मौका देखते ही चौका मार देते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से, कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें कि अब भी नहीं घबराना। तो आपने घबराना नहीं है। अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। सुंदर से ग्रेट स्पाई की है। आर यू कॉमेडी मी? वैसे तो ये सामने वाले को गंदा चमकाते हैं, लेकिन बातें ऐसी बोलेंगे ये सुन के आपके चेहरे में तो स्माइल ही आएगी। रजौरी के हो तुम, रजौरी के हो तुम, पीर पंजाल के उस तरफ ही रहो। अगली बार दिल्ली में आ गए तो चाय के साथ बिस्किट जरूर खिलाऊंगा भैया तुम्हें, याद रख लेना। रजौरी है। अगर आपको लगता है कि गौरव आर्य बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत बोलते हैं, तो आपको बता दें कि वो खुद इस बात को मानते हैं। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तक आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी की ये करना चाहिए, तो सही नहीं लगता है सर? सही तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन बात ठीक है, कर देते हैं। देखिए जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। सही कारण है कि ढंग से उनकी कोई खिल्ली भी नहीं उड़ा पाता, क्योंकि वो खुद ही अपने मजे लेते हैं। इतना नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि दो टके, देखिए तो दो टके का आदमी यही तो करता है। एक बार तो कश्मीर के ट्रेवल गाइड बन गए, देखिए कैसे कश्मीर में घूमने का निमंत्रण दे रहे हैं। जिसको आना है कश्मीर, जिस तालिबानी को मन है बड़ा अपनी मर्दानगी प्रूव करने का कि हम जाएंगे कश्मीर में और जिहाद लड़ेंगे, तो दो दिन गुजारिए आप कश्मीर में हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आपका। और फिर एक किस्सा सुना दिया जहाँ उन्होंने बारामुल्ला पहाड़ियों की एक खास बात बताई, और एज अ रिजल्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स की फिर बेइज्जती हो गई। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों की, और एक जमाने में अफगान आते थे, पाकिस्तान भेजता था वहाँ पे, उस जमाने में फेंसिंग नहीं होती थी। तो बारामूला के आगे पूरी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की कब्र है, वहाँ पे इतने पाकिस्तानी हमने दफनाए हैं, इतने पाकिस्तानी दफनाए हैं कि वहाँ पे पेड़ कम है और पाकिस्तानी लाशें ज्यादा हैं। जगह भी बता दिया ना, एक जगह बारामूला इस तरफ था। तो जो आएगा उसका वैसे ही स्वागत होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कश्मीर थोड़ा सा करा, फिर हमें पता है कि टाइट कैसे करना है किसको, वो इंडियन आर्मी नोज वेरी वेल, तो उसमें वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। एक बार तो एक डिबेट में इन्हें किसी ने कमांडर इन चीफ ही बता दिया, इनकी खुद की आंखें फटी की फटी रह गई। आदरणीय गौरव साहब आप आर्मी के सरपरस्त थे, कमांडर इन चीफ रहे हैं। ओहो जलवा है हमारा, जलवा है हमारा, ये लो गरे ब्लैक। सो इतना ही कर देते हैं। तो ये था वीडियो मेजर गौरव आर्य, किस किस तीन चार वीडियो हम लोगों ने पहले भी बनाया, ये बंदा जो है बहुत ही हाजिर जवाब है। हाँ मतलब जवाब देता है, इस तरह भी हम बनाए थे। एक चीज तो ये है कि ये पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहता है, पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिशियन को कभी छोड़ता नहीं है, पॉलिटिशियन वाले हो या कोई, ये उसको छोड़ता ही नहीं। लेकिन एक चीज इसकी जो है, बाकी तो वे लोग एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, कहते हैं कुत्ता पालूंगा एक। अच्छा ये इसका एक चीज है, ये बहुत ही हाजिर जवाब है, बहुत जल्दी जवाब दे देता है। अच्छा बात ठीक है, अभी हम लोगों ने भी न्यूज वगैरह देखे हो, इस तरह की बात क्योंकि कुछ सीन चल रहे थे कुछ टाइम पहले मस्जिद का और कुछ और, मतलब इस तरह तो इतने एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को मौका तक नहीं देते है, इस तरह हाल होता है। तो ये अब ये बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा होता है, रिपोर्टिंग वगैरह, डिबेटिंग वगैरह, मतलब तरह तरह के वर्ड्स यूज़ कर, लेकिन फिर भी आप पहला है। हालांकि आप मैंने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वहाँ पे भी गुफ्तगु होते हैं कभी कभी, लेकिन इस तरह बातें हाँ हमारे वैसा वाला कभी देखा है, वहाँ पर इसी तरह फाइट हो जाती है वो। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा एक दूसरे को मौका देते हैं, वहाँ पर उठ कर उठ के फाइट हो जाती है। एक दो बार फाइट हुई थी मैंने भी। तो ये रूल थे, सिकमा रूल थे, वो एक को तो बोल रहा था कि आपके नाम का तो मैं कुत्ता पाल लिया पालूंगा, दूसरे को बोला अगर आपने इस तरह किया तुम्हारा नाम करूंगा। गजब की वजह थी ये है सिकमा रूल। ये थे सिकमा रूल, नजर करो भैया के
और ये तो हमें पता नहीं था कि 400 पता नहीं कितने करोड़ से गिरा था। ये स्टोरी वाला वीडियो कोई मुझे सेंड कर दो, इस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे अगर रियल में ऐसा ही हो तो। ये सोचे से रिटायर मेजर भी है, मतलब मेजर गौरव इसका कुछ सीन तो होगा स्टोरी। रिटायर तो ये कह रहे कि रिटायर हूं मैं, तब जो गिरा था लंग्स गिरने की वजह से इंजर हुआ, अभी हमें पता नहीं है, बट ये इन्होंने तो अभी इस वीडियो में आ गया था। तो इस वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर इलेक्ट्रॉन, साथ में जो बेल आइकन लाइक करें तो कुछ सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।